दोस्तों, मैं बचपन से ही बापू को चिट्ठियां लिखता रहा हूं हिंद के नाम से। कभी घर की परेशानियों को लेकर और कभी बाहर की परेशानियों को लेकर। जवाब न कभी आना था और न कभी आया। इंतजार बना रहा, बना रहता। पर अचानक 15 अगस्त की उस आधी रात को ख्वाबों के दरवाजे पर एक दस्तक। दरवाजा खोला तो देखा कोई चिट्ठी डाल गया है। लिफाफा खादी का था और खादी के उस लिफाफे पर भेजने वाले का नाम लिखा था, मोहनदास, मोहनदास गांधी। दोस्तों, इसके बाद बापू के साथ मेरा संवाद गहरा होता चला गया। चिट्ठियां, फोन, व्हाट्सएप और भी न जाने क्या क्या। बापू के साथ किए गए इन सारे संवादों में से एक संवाद मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनिए। हेलो बापू, हिंद बोल रहा हूं। हिंद, कल कॉल कर रहे थे ना आप, बापू उठा नहीं पाया, सॉरी। बताओ बापू क्या कह रहे थे जी। अच्छा, आने का प्लान बन रहा है हिंदुस्तान। अरे बिल्कुल आओ बापू, बिल्कुल, बहुत जरूरत है बापू आजकल। नहीं नहीं बापू, समय निकाल लूंगा बापू। और निकालूंगा क्या, निकालना पड़ेगा आपके लिए, आप आओ तो सही बापू। बिल्कुल आओ बापू जी। अच्छा बाबू, आने का ना सबसे सही तरीका ये है कि आप ना कैब ले लेना बापू जी, कोई भी ले लेना बापू। हाँ हाँ, ओला ले लेना बापू जी। नहीं बापू, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, बस लोकेशन डालोगे, ओटीपी आएगा, ड्राइवर को दिखाना, बैठ जाना, चल देना, आ जाना, बस इतना सा काम है। नहीं सवाल क्यों पूछेगा, सवाल ही नहीं उठता। नहीं चौंक जाएगा बाबू, सबको देख के नहीं चौंकता, आपके बात अलग है बापू। बाबू आपका ना वो गेटअप अलग है, आधी धोती, पतली सी काया, खुला शरीर, चश्मा, चरखा, चप्पल, हाथ में लाठी, अलग है बापू, आपका गेटअप अलग है। नहीं नहीं बापू, रोड पे ना ऐसा गेटअप आजकल दिखता नहीं है। नहीं बस दो जगह दिखता है बापू, एक तो नोटों पे और एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बच्चों के शरीर पे। नहीं नहीं माँ बाप गांधी बनाना नहीं चाहते बापू, गांधी बनाना क्यों चाहेंगे माँ बाप। अरे बापू वो तो स्कूल वाले कहते हैं ना, तो माँ बाप बना देते हैं, बच्चे भी बन जाते हैं कि कौन सा जीवन भर के लिए बनना है, दो मिनट की तो बात है जी बापू। हाँ नहीं नहीं ओला सही रहेगी बापू। अच्छा हाँ ये है बापू, आप ना रेंटल लेना उसमें। नहीं सुनो तो सही बापू, वो देखो आप एक जगह तो जाओगे नहीं हिंदुस्तान में, है ना, आप तो पूरे हिंदुस्तान में घूमोगे, तो आपके लिए बड़ी सहूलियत रहेगी ओला रेंटल में, है ना। एक ही गाड़ी रही, लोकेशन बदलते गए, अलग अलग जगह पहुंचते गए, इसलिए कह रहा हूँ बापू, और कोई बात थोड़े ना है, है ना, रेंटल लेना बापू। अच्छा हाँ एक बात और बापू, पता नहीं आपको मालूम भी है कि नहीं, अब ना लोकेशन के नाम बदल गए हैं बापू, तो अगर आप इलाहाबाद ढूंढोगे ना तो मिलेगा नहीं बापू, प्रयागराज डालना पड़ेगा, है ना, बॉम्बे नहीं मिलेगा, मद्रास नहीं मिलेगा, मुगल सराय नहीं मिलेगा, उर्दू बाजार भी नहीं मिलेगा, हिंदी बाजार डालना पड़ेगा बापू, ये ध्यान रखना, है ना। नहीं और कोई दिक्कत नहीं आएगी बापू। नहीं नहीं जगह पहचान लो कि जगह में ऐसा कोई बदलाव आया ही नहीं है। हाँ आप तो ये कहते थे ना कि सबसे गरीब आदमी के चेहरे पे क्या बदलाव आया, तो बापू वो नहीं आया है, है ना, तो आप देखते पहचान लोगे, अरे ये तो चंपारण का है अपना, अरे ये तो गुजराती है, कोई दिक्कत नहीं होगी बापू, है ना, तो आप रेंटर लेना, बाकी पूरा घूमो, कोई दिक्कत नहीं होगी।
हाँ, घूम लेना। हाँ वहां देखा ना। हाँ गुजरात चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बहुत पहले थी बापू, वो तो दिल्ली में है, वहां नहीं है बापू। जी जी हाँ, मूर्ति देख लेना जी बापू। अब साबरमती की गारंटी नहीं ले सकता बापू, उसकी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जब दंगे हुए ना बापू, तो उन्होंने दरवाजे नहीं खोले बापू, छुपने वाले छुप नहीं पाए, तो बापू पता नहीं दरवाजे खुलेंगे या नहीं, मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। बाकी पूरा घूम लेना जी, और जब पूरा घूम लो, बटन दबा देना, बिल आ जाएगा। और आपको कौन सी बिल की टेंशन लेनी है, मैं क्रेडिट कार्ड डिटेल भेज दूंगा, वो डाल देना, ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे उससे। अच्छा कर दी ना छोटी बात बापू, हैं आपसे पैसे लूंगा बापू, आपका बनाया नमक खाया मैंने, मेरी 10 पुश्तें भी मिलके आपका कर्ज उतारेंगी ना, तो उतार नहीं पाएंगे। आप पैसे देने की बातें कर रहे हो बापू, बापू सोचना भी मत ये तो, है ना। नहीं, सोचना ही मत ये सब, तो ये पूरी ट्रिप मेरे पे रही, आप तो बस पैकिंग करो, है ना, सिर्फ पैकिंग। क्योंकि जो आप ये सोच रहे होगे ना कि 4-5 धोती रख लोगे आधी सी और काम चल जाएगा, तो बापू चलेगा नहीं, तो बता रहा हूँ, ठंड है अभी यहाँ पे, है ना, आप कंबल रखना 4-5। नहीं, सही कह रहा हूँ। और सुनो बापू, किसी को बताना मत, आप ना कुछ अलग अलग तरह के विचार रख लेना उन कंबलों। नहीं बापू, मैं बता रहा हूँ ना, जरूरत पड़ेगी बापू। अरे बापू आप रख लेना, आप आओ तो सही, आप समझ जाओगे बापू, आप बस रख लेना मेरी बात मान के, ठीक है। और फिर चलो, है ना, जरा सी भी दिक्कत हो तुरंत मुझे फोन घुमाना, ठीक है। ठीक है बापू। नहीं बापू, आप टेंशन मत लो। नहीं बापू, आप खोगे नहीं बापू, आप कैसी बात कर रहे हो, इतने बड़े बड़े कामों पे अकेले निकल जाते थे, अब खोने की बात कर रहे हो, आप भला खोगे बापू हैं हिंदुस्तान में बापू। बस आप एक ट्वीट कर दो ना, 20 लाख लोग लेने आ जाएंगे आपको, 20 लाख। और सब छोड़ो, आप तो बस एक फोन घुमा दो प्रधानमंत्री को, भागे चले आएंगे आपको लेने। जी बापू बहुत इज्जत है, बहुत ज्यादा इज्जत आपकी, पूछो मत बापू। एक बार ना उनकी पार्टी के एक नेता ने कुछ गलत कह दिया आपके बारे में, बस उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि मैं इसको दिल से माफ नहीं कर सकता बापू। वो दिन और आज का दिन उन्होंने माफ किया नहीं है बापू। और तो और, जब प्रधानमंत्री बने ना और लाल किले से पहली स्पीच थी, सिर्फ उसमें आपका ही आपका जिक्र, सिर्फ आपका। और याद है ना वो चश्मा खो गया था आपका, उसको खोजा और स्वच्छ भारत मिशन के चेहरे पे लगा दिया। आप नहीं हो लेकिन आपका चश्मा देख रहा है भारत की सफाई, ये हाल है बापू। बापू जब आपके चश्मे को नहीं खोने दिया तो आपको खोने देगा हिंदुस्तान। बदल जरूर रहा है लेकिन आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हिंदुस्तान, तो आप तो टेंशन ही मतलब बापू, आप तैयारी करो सफर की, कोई दिक्कत हो सीधे फोन, ठीक है। चलो मैं रखता हूं, बाय बापू, जय हिंद बापू, और बापू हैव अ नाइस ट्रिप बापू, बाय। पर दुखे उपकार करे तो ए मन या भी माना।